राधे राधे। आज फिर से हाजिर आप सबके बीच न्यू वीडियो के साथ। करवा चौथ, अगर आप भी रखते हो करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, तो इस दिन इस कथा को सुनना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलता है सौभाग्यवती का वरदान। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। यूँ तो करवा चौथ की एक नई कथाएं प्रचलित है, लेकिन कुछ कथाओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी कथाएं महिलाओं को सुननी चाहिए, जिससे हमें सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। पति की लंबी उम्र और सौभाग्य अच्छी सेहत के लिए इस बार 20 नवंबर को महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस व्रत में पूरे दिन न पानी पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। इस दिन करवा माता की पूजा और कथा सुनी जाती है। यूँ तो करवा चौथ की एक नई कथाएं प्रचलित है, लेकिन कुछ कथाओं का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। आइए जानते हैं इस दिन कौन कौन सी कथाएं महिलाओं को सुननी चाहिए। करवा चौथ की पहली कथा है जो पौराणिक है। करवा देवी अपने पति के साथ एक गांव में तुंगभद्रा नदी किनारे रहती थी। एक बार उनके पति नदी में स्नान करने गए, तब मगरमच्छ ने उन्हें खींच लिया। वह जोर जोर से पत्नी को पुकारने लगे। पति की चीख सुन करवा नदी किनारे पहुंच गई। पति की जान बचाने के लिए उन्होंने एक कच्चे धागे से मगरमच्छ के पेट से बांध दिया, जिससे मगरमच्छ की हालत बिगड़ गई और वह टस से मस तक नहीं हो पा रहा था। तभी करवा ने यमराज का आह्वान किया और पति का जीवन दान के साथ मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की मांग की। तब यमराज ने उन्हें बताया कि वह एक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पति की मृत्यु का समय निकल गया और मगरमच्छ की उम्र अभी बची है। यमराज की इस बात से करवा को गुस्सा आ गया और यम को भी श्राप देने लगी। करवा की पतिव्रता धर्म देख यमराज प्रसन्न हो गए और उनके पति के प्राण बख्श कर जीवन दान दिया। साथ ही मगरमच्छ को मृत्यु की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि ये पूरी की घटना कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुई थी, जिसके बाद से ही सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और करवा माता की पूजा की जाती है। आइए आपको करवा की दूसरी कथा आपको सुनाती हूँ। इंद्रप्रस्थपुर नाम के एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी लीलावती और सात पुत्र बहुओं और वीरावती नाम की पुत्री के साथ रहता था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को लीलावती, उसकी सातों बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। साथ में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन पर बैठे, तो बहन से भी साथ भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने चांद को अर्घ देकर ही भोजन करने की बात कही। सभी भाई बहन से प्यार करते थे, तो बहन को भूखा देख उनका मन विचलित हो गया। वे सभी शहर से बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर आग जला दी। घर वापस आकर बहन से कहा कि देखो चांद निकल आया है और अर्घ देकर भोजन करो। तब वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ आने को कहा, तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि उनके भाइयों ने क्या किया है, लेकिन उसे उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और भाइयों की बात मानकर चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। जैसे ही वीरावती ने भोजन शुरू किया, उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले निवाले के साथ बाल मिला, दूसरे पर उसे छींक आई, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो पति की मृत्यु पाया। पति की मृत्यु ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह अपने भूल के लिए खुद को दोषी मानने लगी। उसका विलाप इतना भयानक था कि भगवान इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी वीरावती को सांत्वना देने वहां पहुंच गई। उन्होंने करवा चौथ के व्रत के साथ ही हर माह में पड़ने वाले चौथ व्रत की सलाह दी, बताया कि ऐसा करने से पति जीवित हो जाएंगे। वीरावती ने ऐसा ही किया। इसके बाद से ही महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को करती आ रही हैं। इससे उनका पति का लंबी उम्र होती है। जय माता दी।